Welcome to Daddy's Kitchen. My name is Sailesh, and today's recipe is the most simple and easiest recipe that can be cooked in few minutes. Recipe ka naam hai papad ki sabji. Yes, friends, papad ki sabji. Sunne mein thoda naya lagta hai, lekin banane ka process kaafi simple aur easy hai. Main iska process aapke saath share karunga. Aap please mere video ko like kijiye, comment kijiye, share kijiye aur mere channel ko subscribe kijiye. साथ ही आप बेल बटन को प्लीज क्लिक कीजिए ताकि मेरे जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको तुरंत वो मिल जाए देखने के लिए. सो चलिए बनाते हैं पापड़ की सब्जी. तो इस रेसिपी के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं दो चॉप अनियन, क्यूमिन सीड एंड मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स, वन ग्रीन चिली, वी हैव टेकन योगर्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टर्मरिक पाउडर, हींग, कश्मीरी रेड चिली पाउडर and garam masala powder, and we have also taken one glass of water, salt as per taste and cooking oil. So सबसे पहले हम लेते हैं हमारा pan गरम कर लेते हैं. Alright friends, so हमने pan को गरम करने रख दिया है. अब हम इसमें add करेंगे हमारा cooking oil. So हम यहाँ पे add कर रहे हैं 2 tablespoon cooking oil. तो फ्रेंड्स हमारा तेल गर्म हो चुका है. साइमल्टेनियसली आप देख सकते हो कि साइड में मेरी वाइफ जो है इस रेसिपी के लिए पापड़ को भी रोस्ट कर रही है. ऑलराइट, सो सबसे पहले तेल गर्म हो चुका है. अब हम इसमें ऐड करेंगे क्यूमिन एंड मस्टर्ड सीड्स. जैसे ही आपके क्यूमिन और मस्टर्ड सीड्स पकने लगते हैं यू नीड टू एड अ पिंच ऑफ हिंग. तो हम इसमें एक पिंच ऑफ हिंग डाल देंगे. अब हम इसमें ऐड करेंगे करी लीव्स. इसमें ऐड करेंगे 2 ग्रीन चिली. एंड नाउ वील ऐड चॉप अनियन. इन्हें हमें सौते कर लेना है. प्याज को जो है वो स्लाइटली ट्रांसपेरेंट जैसे ना पक जाए तब तक आपको इसे सौते करना है. ज्यादा पकाना नहीं है, ट्रांसपेरेंसी की शेप कलर में आ जाएगा तब तक इसे पकाना है. अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट. और इसे अगले 1 से 2 मिनट तक सौते कर लेंगे. आप अपने स्टोव का फ्लेम जो है वो मीडियम हीट पे रख दीजिएगा. जैसे ही आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो सौते हो जाता है अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई स्पाइसेस. सो फर्स्ट वी विल ऐड 1 टीस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर. तो 1 टीस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, सम टर्मरिक पाउडर मिक्स टू दिस. अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 ग्लास पानी. और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे. साइमल्टेनियसली आप देख रहे हो कि मेरे पापड़ जो है मेरी वाइफ ने यहाँ पे रोस्ट करके रख दिए हैं. काफी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं. आप डिपेंड्स के कितने क्वांटिटी कैसे मतलब कितने चाहिए इतने पापड़ आप रोस्ट कर सकते हो. हम यहाँ पे 2 फैमिली को सर्व करने वाले हैं, इसके लिए हम यहाँ पे कम से कम 10 से 15 पापड़ को रोस्ट कर रहे हैं. सो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से पक रहा है. So now it's time to add दही. So here goes curd, yogurt, जिसको हमने फेंट लिया है. अब इस दही को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे.
आप देख सकते हो कितना बढ़िया रिच लुक आ रहा है. दिस इज द राइट कंसिस्टेंसी, काफी अच्छा लुक है, बहुत ही बढ़िया इसका कलर आ रहा है. अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट. इंश्योर कीजिएगा कि आप सॉल्ट जो है वो थोड़ा कम ही डालिएगा, बिकॉज पापड़ जो भी आप लोगे उसमें भी सॉल्ट रहता है. सो सॉल्ट आप स्वाद के अनुसार डालिएगा. सो फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छे से रेडी हो चुकी है. नाउ इट्स टाइम टू ऐड रोस्टेड पापड़ इन दिस. तो हम पापड़ को जो है वो तोड़ देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में और हम इसमें ऐड कर देंगे. तो हमने पापड़ को हमारे ग्रेवी में मिक्स कर लिया है. इसे अब हम एक से दो मिनट तक मीडियम हीट पे पकने देंगे. साइमल्टेनियसली आप इसमें अभी एक टीस्पून गरम मसाला डाल दीजिए. सो वी विल ऐड इन 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला. सो हमने गरम मसाला इसमें ऐड कर लिया है. अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. फ्रेंड्स, एक से दो मिनट हो चुके हैं और इसका रिच टेस्ट लाने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं कसूरी मेथी. इससे काफी अच्छी फ्रेग्रेंस और खुशबू आएगी और टेस्ट भी जो है वो काफी बढ़िया सा हो जाएगा. सो हमने वो ऐड कर लिया है. सो बस फ्रेंड्स, एक मिनट और एंड आर पापड़ रेसिपी इज रेडी. सो फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है. अब हम इसे सर्व कर लेंगे. हमने गैस का फ्लेम बंद कर लिया है और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं. सो फ्रेंड्स, हमारा पापड़ की ग्रेवी वाली सब्जी रेडी हो चुकी है. बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका. आप इसे रोटी के साथ सर्व कर सकते हो, राइस के साथ सर्व कर सकते हो. बहुत ही बढ़िया टेस्ट है और इजी टू कुक है. सो फ्रेंड्स, प्लीज शेयर, कमेंट एंड लाइक टू माई चैनल डैडीज किचन एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकॉन to stay tuned for many such recipes. Thank you.